पाँच सौ रुपये उधार लिए और जैसे कि थोड़ा वहाँ कर्ज भी हो गया बीस पच्चीस हज़ार का तो हम ऐसे ही छोड़ के अरे हम यहाँ दिल्ली आ गए दो हज़ार से दो हज़ार रुपये से ये काम शुरू करा बहुत छोटे से शुरू करा और आज इसका टर्न ओवर करोड़ों में करोड़ों में इसका टर्न ओवर है जो हमारा मुकाम ऐसा आता है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ हमारा ज़ीरो नंबर होता है कि ज़ीरो नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं यूपी बुलंदशहर की रहने वाली हूँ जैसे कि मेरे पति पहले नौकरी करते थे और उन्होंने नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी शुरू करा तो बिजनेस में उनको बहुत घाटा आ गया जब घाटा आ गया तो हमारा मतलब सब कुछ घर मकान भी बिक गया और मतलब बिल्कुल एक तरह से हम रोड पर आ गए तो जब मैंने देखा कि मेरे पति का सब कुछ बिक गया और पति बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे कि मतलब वो सोचने लगे कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ मैंने सोचा ये ये शहर हम छोड़ें यहाँ पे मेरे पति ने जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं गाड़ी भी थी हमारे पास तो यहाँ पे हम जैसे पैदल चलेंगे तो लोग हमें टोकेंगे इस तरह से मतलब हम बर्दाश्त भी नहीं मतलब हम पे शहर नहीं होगा तो इस तरह की सोच रखते हुए मैंने बोला मैंने कि इस शहर को छोड़ के हम दूसरे शहर में चलेंगे तो हम किसी की मजदूरी भी करेंगे तो अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं इनको तो मैंने अपने पति को सलाह दी और मेरे पति ने मेरा कहना मान के किसी से मैंने पाँच सौ रुपये उधार लिए और जैसे कि थोड़ा वहाँ कर्ज भी हो गया बीस पच्चीस हज़ार का तो हम ऐसे ही छोड़ के अर हम यहाँ दिल्ली आ गए जब दिल्ली आए तो दिल्ली में मेरे पति ने नौकरी ढूँढी नौकरी कहीं नहीं मिली तो हमें खेती में काम मिला खेती ली हमने जैसे कि बटाई पर खेती ले ली खेती लेने के बाद हमने खेती में सब्जियाँ उगाई तो फिर भी हमें वही मायूसी रही जैसे हम बाज़ार में गए मार्केट में गए तो हमें उनके दाम कितने मिलते थे कि जैसे कि हमने सब्ज़ी उगा ली सब्जी का दाम हमें रुपए किलो आने किलो कभी कभी हमें खेत में भी जुतवानी पड़ती थी तो फिर हमें वही मतलब सामना देखना पड़ा गरीबी का ही और फिर हमारे जो ना मतलब हमें बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई की बहुत दिक्कतें आने लगी तो हमने जैसे कि मैंने देखा कि एक छोटा सा हमारे घर में टी ले रखा था उस समय तो मैंने देखा दूरदर्शन में प्रोग्राम आते हैं और इनमें हम देख रहे थे बैठे बैठे तो कहते हैं कि जैसे कि बेरोजगार होते हैं हमारे बहन भाई उनके लिए आ रहे थे कि भाई कोई जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे आसपास तो उनसे जा ट्रेनिंग ले सकते हैं हम तो मैंने अपने पति से बोला कि ये जो ना पता करो कहाँ है ट्रेनिंग का तो हमने पता करा हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजवा था तो वहाँ मेरे पति ने पता करके और हमने वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली अचार मुरबे बनाने की सब्जियों से हमारे सब्जी से अचार मुरबे कैसे बन सकते हैं उनकी ट्रेनिंग ली जब मैंने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग में उसका मिर्ची का गाजर का गोभी का अचार बनाना सीखा इसकी ट्रेनिंग ली तो मैंने घर में पाँच किलो अचार बनाया और पाँच किलो अचार बनाने के बाद मैंने बोला अपने पति से कि इसे जो ना कहीं मार्केट में दे के आओ या फिर मतलब किसी को मतलब टेस्ट करा के देखो मेरे पति भी अचार के बहुत शौकीन थे तो जब उन्होंने टेस्ट करा तो कहने लगे कि बहुत अचार तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल घर जैसा स्वाद है तो फिर मार्केट में लगे गए तो मार्केट में बोलने लगे लोग कि भी ऐसे खुला अचार तो हम नहीं ले सकते तो मेरे पति ने मायूस हो गए अचार घर में ला रख दिया और कहने लगे कि मेरे बस की नहीं आए बेकना और तुम जो कर रहे हो करते रहो तो मैं कहने लगी मैं कि इस तरह से मायूस होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे मतलब इस तरह से मायूस ना हो ना जैसे हम सब्जियां रोड के किनारे टेबल डाल के नहीं बैठे तो उस पर सब्जी भी रखो और थोड़ा अचार भी रखो और अपनी मार्केटिंग हम खुद कर सकते हैं तो इस तरह का मैंने पति को सलाह दी तो मेरे पति ने माना रोड के किनारे टेबल डाल के और वो बैठ गए जब रोड के किनारे टेबल डाली तो मतलब वहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका था उसमें कोई रुकने वाला नहीं था तो फिर मैं हमने सोचा मैंने कि किस तरह से ग्रह को हम रोक सकते हैं तो हमने पानी के मटके रखे दो पीने के लिए के भी पानी पीने तो लोग रुकेंगे तो पानी के मटके रखे और हमने उसके साथ साथ जैसे थोड़ा सा एक टुकड़ा अचार का डाल दिया भी रुका कोई तो भई अचार टेस्ट करके देखना अच्छा लगा तो लेके जाना इस तरह से मेरे पति ने वहाँ बैठ के मार्केटिंग शुरू करी और जिसे सौ दो सौ का वहाँ से बिकने लगा जब बिकने लगा तो मैं अचार की सिवा जैसे मुरब्बे बनाने शुरू करे मैंने तो उनमें कई दफ़े ख़राब भी हुआ जब खराब हुआ तो हमने सोचा कि मैं मैं एकदम नर्मस नर्वस होगी मेरे पे तो नहीं होगा ये तो मेरे पति ने फिर मेरे को मतलब मेरे परिवार ने सहारा दिया कि आप जब इतना कराए तो आप कर सकते हो और आगे कर सकते हो अभी ख़राब हुआ है फिर अच्छा भी होगा तो उसमें मेरे को जो मतलब एकदम हौसला मिला और मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ मैंने अपने आप पे एकदम विश्वास करा और मैं कर सकती हूँ तो इस तरह से करके फिर मैंने जो ना आगे करना शुरू करा तो मैं अचार मुरब्बे मतलब काफ़ी वैरायटी मतलब आठ दस वैरायटी में बनाने लगी फिर मैंने सोचा मैंने कि हम अब तो हमारा चल गया तो हम एक कंपनी बना सकते हैं तो मैंने कंपनी बनाने का सोचा तो हम एक साल तक कंपनी के लिए मतलब घूमते रहे लेकिन कहीं से हमें लाइसेंस नहीं मिला कंपनी का तो जब कंपनी का लाइसेंस ना मिला तो हम मेरे पति मायूस हो गए फिर भी कि कह रहे लगे भाई इतने दिन एक साल हो गए घूमते हुए लाइसेंस नहीं मिला फिर एक बहुत अच्छे आदमी मिले उन्होंने हमारा लाइसेंस बनवा दिया और हमारी कंपनी बन गई श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से और कंपनी बना के जैसे हमने दो चार लोगों को रखा पहले दो चार लोग रखे तो हम मिल काम करने लगे और हमारा बहुत अच्छा काम चलने लगा जब अच्छा काम चलने लगा तो हमने सोचा कि हम और लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते और ज़्यादा बढ़ाएं इसको तो हमने जगह ली काफ़ी मतलब पाँच हज़ार फुट जगह ली हमने तो उसमें हमने कंपनी पूरी पाँच पाँच मंजिल तक कंपनी बनाई अपनी और हमने जैसे कि पहले मैं एक कंपनी की वो थी ओनर अब मैं पाँच कंपनी की ओनर भी बन गई और मेरे पास हज़ारों लोग काम करते हैं पूरे देश में मैंने ट्रेनिंग दे रखी है जगह जगह जाकर जैसे बिहार है हमारा और जैसे कि राजस्थान है जैसे कि यही दिल्ली में हमने कई जगह पांच-छह जगह दे रखी है बीएसएफ में दे रखी है और जगह जगह हमारे पूसा संस्थान से बस भर भर के ट्रेनिंग के लिए आते हैं प्रैक्टिकल के लिए आते हैं हमारी फैक्ट्री में तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा और जैसे कि हमने जो आज तक हमारा अचार क्यों चल रहा हमारा 18 बीस साल हो गए मेरे को अचार बनाते हुए आज तक मतलब एक दफ़े जो खा लेगा हमारे प्रोडक्ट को क्यों पसंद करते हैं क्योंकि हमने जो एक ही क्वालिटी रखी है क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है कि जैसे हम पहले अचार घर में बनाते थे चरा के हाथ से काट के हाथ का काम होता है आज भी वही काम हाथ से होता है और जैसे साबुत मसाले तेल अपना हम पूरी क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ 19 19-20 भी ना हो इसमें क्वालिटी पूरी अच्छी तरह रखनी चाहिए हमें सबसे बड़ी बात है इसकी क्वालिटी रखनी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग पसंद करेंगे और खींचे चले आएंगे तो सबसे बड़ी बात है इसमें क्वालिटी की और जैसे कि हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमने जैसे दस बना लिया अभी दसों से हम हज़ारों महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं तो उसमें हम नई नई वैरायटी कैसे बना सकते हैं हम नई नई चीज़ों को कैसे बना सकते हैं आगे तो हमने दो से बावन के करीब मैंने एक सौ बावन वैरायटी मैंने बनाई इसमें और अब लगभग 200 के करीब हो रही है तो, तो इसमें भी मतलब ये होता है हमारा कि जैसे ग्राहक हमसे कोई चीज़ मांग रहा है तो हमें वो देनी है किस तरह से हमें बनाना उसका हमें मतलब बहुत ध्यान रखते हुए सेहत का भी ध्यान और अपने हम मतलब खुद हम उस अचार को सब घर में खाते तो जब तक हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगा जब तक हम मार्केट में नहीं उतारेंगे तो इसका जो सबसे बड़ी बात हमें स्वाद देखना कैसे लोगों की जबान तक हमारे इसका अचार का स्वाद पहुँचे वो देखना है और हमें जो इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी की वो होती है क्वालिटी हम अच्छी रखेंगे तो लोग खींचे चले आएंगे जैसे कि हम घर में रोटी सभी बनाते हैं सभी बहनें हम घर का काम करते हैं सब रोटी बनाते हैं तो उन्हीं से हमारे हुनर निकल के आते हैं कि जैसे हम घर में रोटी बना रहे हैं तो रोटी से हम छोले कुल्छे भी बनाते हैं आज हमारी बहनें कितनी छोले कुल्छे की रेडी लगा के खड़ी है जैसे मेरे पास आती हैं तो मैं अपना तेल का भी प्लांट दिखाती हूँ आटे का भी दिखाती हूँ जैसे दाल हमारे पैक हो रही हैं हम खेत में खेत में किसान हैं तो किसान हम क्या चीज़ उगा रहे हैं आज किसान हम गेहूँ उगा लेते हैं चावल उगा लेते लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को जैसे कि हम सौंप उगाएँ या हम जीरा उगाएँ या हम एलोवेरा उगाएँ तो इन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होता है मतलब डबल रे ट्रिबल रेटों में चवल रेटों में बिकते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है नई नई मतलब नए नए काम करके देखें आज हमारे हम अपने प्रधानमंत्री जी का नारा सुनते हैं कि भी हमें किसानों की आई दुगनी बढ़ानी है तो हमें किस तरह से बढ़ानी है ऐसे ही हम जैसे घर में चक्की लगाई हमने गेहूँ ना बेचते हुए हम आटा बेकें उसकी सूजी बेकें उसका हम दलिया बनाए उसके हम वो भी बना लेते हैं जब जब ऐसे हमने दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारी एक प्रोडक्ट से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं इसका थोड़ा सा हुनर आए मेरे बहन या भाई कोई भी घर में ये नहीं सोचे कि हम खा लिए जो हमारा मुकाम ऐसा आता है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ हमारा ज़ीरो नंबर होता है कि जीरो नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं तो उसको हम कैसे उठ सकते हैं उसको हमें जो देखना है कि ज़ीरो नंबर से हम कैसे उठ सकते हैं वहाँ से हमें उठने का मौका मिलता है और हमारा साथ परमात्मा देते हैं क्योंकि वो जो ना हमारा हम ख़त्म हो गए हम उस समय ख़त्म हो गए तो उस समय हमें परमात्मा हिम्मत देके साहस देके हमें जगाते हैं कि भाई तू संसार में आया तो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है तो इसलिए हम मतलब उस टाइम खड़े हो गए तो हम कभी भी नहीं हार सकते जैसे मैंने 2000 से 2000 रुपए के मैं बर्तन मिलाई ख़रीद के भी मिलाई खरीद के तो 2000 से 2000 रुपए से ये काम शुरू करा बहुत छोटे से शुरू करा और आज इसका टर्न ओवर करोड़ों में करोड़ों में इसका टर्न ओवर है और मैं मेरे साथ मतलब मेरा परिवार खुश और मेरे जो मतलब जैसे घर मकान कुछ भी नहीं था मेरा घर मकान भी हो गया सब कुछ हो गया आज मुझे 20 साल काम करते हुए हो गए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये काम करते हुए कि जिस दिन मैं बिल्कुल निराश थी जिस दिन मेरे को लग रहा था मेरे पति भी और मेरे बच्चे भी क्या होगा इनका आज मेरे को जो बहुत हिम्मत और बहुत ऐसा लगता है कि आज मैं पूरे देश के लिए मतलब पूरे देश के लिए कुछ कर सकूँ तो वो भी कम होगा कोई भी निराश होकर ना बैठे ना बहन ना भाई कोई भी काम जो भी हमारे हाथ में आ रहा है काम को करें कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता उसके लिए जो हमें मतलब अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी से करेंगे तो सब काम में सफल होंगे धन्यवाद यही मेरा आज का संदेश है इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें